News 18, India. और वहीं कांग्रेस के 6 विधायकों की विधायकी पर आज ही फैसला आ सकता है। विधानसभा में स्पीकर बागी विधायकों के मसले पर सुनवाई इस वक्त कर रहे हैं। बागी विधायकों के वकील ने बताया कि उन्होंने इसके लिए 7 दिन का समय मांगा है, जबकि उन्हें 4 बजे तक का ये पूरा समय दिया गया है। अब लगातार जो उनकी मांगे होंगी, क्या वो कांग्रेस आलाकमान की ओर से मानी जाती है या फिर नहीं, क्योंकि अगर सत्ता का संतुलन बरकरार रखना है तो यहाँ पर कोशिशें और ज्यादा पुरजोर तरीके से और तेज करनी होंगी, क्योंकि कल तक का वक्त है। कल ही रिपोर्ट सौंपी जाएगी आलाकमान को, उससे पहले एक रिपोर्ट तैयार करके यहाँ पर देनी है। स्पीकर साहब को ये निवेदन किया है कि इन मेंबर्स को सिर्फ और सिर्फ शो का नोटिस दिया गया है। जो पिटीशन फाइल हुई है और जो उसके साथ एनेक्सर्स हैं, वो हमको सप्लाई नहीं किए गए, जबकि जो एंटी डिफेक्शन रूल्स हैं हिमाचल विधानसभा के, उसमें 5-6 कंडीशन हैं जिनको कम्प्लाई करके नोटिस भेजना होता है। और नोटिस के बाद भी रूल 7 के मुताबिक 7 दिन का समय दिया जाता है उन एमएलएज को जिनके खिलाफ नोटिस जाता है रिप्लाई फाइल करने का। तो हमने उनसे निवेदन किया है कि हमको 7 दिन का मिनिमम टाइम जो रूल में प्रेस्क्राइब हो वो दिया जाए, ताकि इसका रिप्लाई हम फाइल कर सकें। दूसरी साइड का कहना है कि कोई देने की जरूरत नहीं है, किसी चीज की करने की जरूरत नहीं है। तो स्पीकर साहब ने कहा कि मेरा 2 बजे विधानसभा का भी सेशन है, तो 4 बजे वो दोबारा उसकी सुनवाई करेंगे। हमने उनसे निवेदन किया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के अनुसार कम से कम 7 दिन का टाइम दें ताकि वो रिप्लाई फाइल कर सकें। तो कांग्रेस के जो 6 बागी विधायक हैं, उन पर आज ही फैसला आ सकता है। सुनवाई लगातार चल रही है। अरुण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, ये जो 6 विधायक हैं, अंदर खाने आपको क्या इनके बारे में जानकारी ऐसी मिल रही है? क्या ये पूरा मन बना चुके हैं कि बीजेपी में जाएंगे, या फिर अब भी कुछ शर्तें अगर कांग्रेस पार्टी इनकी मान लेती है तो रह जाएंगे? देखिए, बड़ी मुश्किल कांग्रेस के सामने ये कि जो 6 बागी विधायक हैं वो विधानसभा के अंदर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों से जाके मिलते हैं, उनकी तरफ जाकर के उनसे मुलाकात करते हैं। उसके बाद जो विधानसभा परिसर है उसमें जो जयराम ठाकुर का जो दफ्तर है उसमें जाकर के मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं। तो संपर्क में वो बीजेपी के हैं, बातचीत वो बीजेपी से कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई इस तरह का सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं दिखाई दे रहा है कि वो कांग्रेस के किसी नेता के सामने दिख रहे हो, या फिर राज्य के जो प्रभारी हैं, या फिर मुख्यमंत्री हैं, या फिर जो उनका कोई दूत है, ऑब्जर्वर है, वो उनसे मुलाकात करे, बात करे। फिलहाल इस वक्त वो यहां पर नहीं है, किसी जगह पर है जहां पर अगर कांग्रेस उनसे संपर्क कर रही हो तो शायद कुछ बात बने और संपर्क करना पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि अगर वो 6 वापस नहीं आते हैं, अगर एक बार क्लियर हो जाता है उसके बाद कांग्रेस के सामने विकल्प है। जैसा कि आप कह रहे थे, नेचुरल जस्टिस के तहत वो 7 दिन का समय मांग रहे हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर जो स्पीकर होता है उसका निर्णय सर्वमान्य होता है, और हो सकता है कि वो अगर नहीं वो वापस आना चाहते तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दें, और वो आनंद फानंद में भी कर सकते हैं। बाद में कोर्ट में इसकी सुनवाई होती रहेगी, बहुत सारे मामलों में कोर्ट में इस तरह की सुनवाई चलती रही। अभी महाराष्ट्र इसका उदाहरण है, महाराष्ट्र की सुनवाई कब तक हुई है और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चली है।